हाँ जी भाई साहब जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास दमनदीप सिंह खालसा संगत के चरणों से बेनती करता है कि संगत जीओ, तुसी देखो पंजाब की धरती से सिखा ललकारन वाले ये कौन ने, ये फिरको प्रस्त लोग कौन ने जिहड़े बार बार सानू ललकारदे ने, सानू वंगारदे ने। कदी साडियां दस्तारां लाईआं जांदियां ने, कदी साडे केसां दी बेअदबी, साडे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी कीती जांदी है बार बार। असीं इहनां नूं एक वंगार देना चाहते हाँ समुचे खालसा पंथ वालों, नौजवानों वालों, उभरती जवानी वालों, सिखां वालों, के पंजाब की धरती से ताडे वालों कीतियां हुई इन्हां कोझियां हरकतों का जवाब असीं तत्पर होकर देंगे। तुसी बाज आ जाओ ते सरकार नूं बेनती है जे इन्हां नूं नत्थ पा सकदे हो तां ठीक है, नहीं तो खालसा कालपुर की फौज है ताडी, ये फौज नाल उत्ते है ते वो अपनी कार्रवाई करेगी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साढ़े ने इस वेले जोगा सिंह जी साढ़े जुड़ चुके हैं तो उन्होंने अं गलबात करते हैं जिस चैलेंज के बारे जो सेवा सामने देता। तो सब तो पहले मैं जोगा सिंह फतेह बुला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, अज जो 25 तरीक का एक कुछ फिरकूवादी लोग ने सिख कौम ललकार पाई सी, चैलेंज किया सी उन्होंने लोगों ने, वो अज इतने चैलेंज करके जो सारिया समुचे खालसा पंथ ने ते इत्थे नौजवान वर्ग ने समूह आगुआ ने ब्यास का प्रोग्राम दिता सी वी आपां ब्यास दे उपर उन्हां बांदरां दी ललकार रैली रोकनी आ। सो अज इत्थे समुचा खालसा पंथ इकट्ठा होया, होर बहुत दूरों दूरों संगत MP महाराष्ट्र UP तो हरियाणे तो इत्थे संगतां पुज्जियां ने। हरियाणे की सत्कार कमेटी वह भी इत्थे अज बहुत वड्डा जथा लैके पुज्जी आ। मेन इक्को ही बेनती है संगत दे चरणां दे विच, तुसीं देख सकदे हो तुसीं कवरिंग कर रहे हो सिख चैनल सारी, प्रशासन किन्ने वड्डे पद्धर ते लाया गया इत्थे। उन्हां बांदरां नूं रोकण दे लई कुछ नहीं किया गया, साडे लई डांगां गोलियां सारा कुछ तैयार रख्या होया वी सानू साडे ते इह भरावण दे लई। पर अज वी इत्थे असीं शांतमई तरीके दे नाल बैठे हाँ, पर अज सारे जिन्ने भी सिख नौजवान आ घरों परन करके आए हाँ, भज्जना नहीं जे पहल करनी नहीं, जे इन्हां ने साडे ते वादा किया तो दूजे असीं आ छड्डनी नहीं। जे साडे ते प्रशासन वादा करता पहला साडा होगा शांति, जे प्रशासन उस बाद भी वादा करता आ इत्थे एक शहीदी हो जाए इत्थे दो हो जाए अगे भी शहीद कर दिया आ, पर अज ढिल बिल्कुल नहीं वरतांगे। प्रशासन नूं पहला भी बेनतियां कर चुके हैं, हुण भी बेनती करदे हां वी असीं इसे तरह ही प्रशासन कह रहे गिरफ्तारियां दे दो। क्यों देईए गिरफ्तारियां, असीं नहीं किसी नूं चैलेंज किया। सिख पंथ कदी किसी ते वादा नहीं करता, सानू चरेआम ललकार पाई गई आ। ये की सरकार इतने की जिहड़ी बादल सरकार आ जां ये की साबित करना चाहते ने भाई साहब भी ये साडे नाल हो की रहा आ। ये जिहड़ी अज की जो ये ललकार आ ये कल्ले बांदरां वास्ते नहीं, क्योंकि बांदरां नूं ये समझते नहीं कुछ भी, ना ही वो साडे किसी नेड़े तेड़े हैगे ने। ये जो अज की ललकार आ ये ललकार आ सेंटर नूं, ये ललकार आ जिहड़े साडे पंजाब दे पाणी खोए जा रहे आ, जिहड़े साडे नित साडे वीरां दीआं दस्तारां ला के उहनां नाल हिंदू वादी जिहड़ी कट्टड़वादी सोच ने वह साडे नाल धक्का कर रही ने। अज उन्होंने लिए ललकार आ, इदू बाद ललकार नहीं होगी। आर पार का संघर्ष जो भी सिख नौजवान जथेबंदियां समुचा खालसा पंथ दऊगा अगला प्रोग्राम लिखा जाऊगा जी। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, पंथ की जिंदाबाद। सो अज जो समुचिया
समुचिया ही पार्टियां ने जो भी उन्होंने प्रोग्राम दिता है अज इतने सारी संगत इकट्ठी हुई आ बहुत वड्डे तदार ते प्रशासन भी खड़ा अज असी बिल्कुल भी जां इत्थे मरांगे ते जां मारांगे दो ही गल्लां लै के आए पंजाब पुलिस वाले जिहड़े पंजाब पुलिस वाले वीर ने वह भी साडे भरा ने ते जिहड़े इधर ने वीर वह भी भरा ने हुण इन्हां ने सोचना भी इन्हां ने भरा नूं मारना आ जां इन्हां ने भरावां नाल भरावां वाली साडे नाल करनी आ इन्हां दे वीरां दे भी पिछे मजबूरी आ उत्तों कोई आर्डर दिंदा ते जो आर्डर दिंदे ओह करदे आ पर उन्हां नूं जिन्हां ने भी आर्डर दित्ता आ उन्हां दी भी हुण बेड़ियां दो तीन महीने ने बाला चिर नहीं चलणियां सो संगत देश विदेश की संगत दे चरणां 'च हाथ जोड़ के बेनती आ भी इन्हां दा ऑल वर्ल्ड दे विच डट के विरोध किया जाए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हुण मैं गलबात करूंगा जो इत्थे भैन जी आए हुए हैं ये भैन जी भाई जगतार सिंह जी हवारा जी जो साडे सिंह साहब हैं श्री अकाल साहब के उन्हां दी मुलाकात करने वास्ते ये उत्थे तिहाड़ जिले जाते हैं ते सब तो पहला उन्होंने मैं फतेह बुलाना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा जी मैं सतनाम कौर दिल्ली तो मैं जथेदार सिंह साहब जगतार सिंह हवारा जी दी मुलाकात करदी हाँ अपने होर भी जिन्हें भी सिंह अंदर ने या जिन्हों के भी केस दिल्ली के चल रहे सारे दी मुलाकात कर रही हाँ। 17 तरीक नूं जथेदार जगतार सिंह हवारा जी नाल मुलाकात हुई सी वीर नाल 25 तरीक के बारे सारा डिस्कस होया सी तां वीर ने वीर नूं मैं ही ये चीज़ पूछी सी कि किवें करां वीर जावां या ना तां वीर ने एक चीज़ कही सी भैणे चढ़दी कला च जाणा जरूर पहुँचना ते खालसा पंथ दे लई उन्हां दा मैसेज सीगा भी पहला आपां सारी कौम एकजुट हो जाओ अपना कौमी घर बना लीए आपां अपने गुरद्वारा साहिबां नूं आजाद करवा लीए। अज दे लई वीर दा मैसेज सीगा कि जे अपने च एकजुटता हुंदी खालसा पंथ चढ़दी कला विच हुंदा तां इन्हां कालियां भेड्डां दी हिम्मत नहीं सी ये अख चुक के भी साडे वल देख जांदे। दूसरा वीर दा मैसेज सीगा सत्कार असी सारे धर्मां दा करदे आ हर एक कौम दा सत्कार करदे आ पर जेकर कोई भी कौम साडे वल अख चुक के वेखेगी तां खालसा पंथ ने चूड़ियां नहीं पाईआं इट दा जवाब आपां पत्थर नाल देणा। सो वीर जी वीर दी जिन्नियां भी जथेबंदियां हो इस टाइम आपां नूं जरूरत आ आपां एकजुट हो जाइए अपने कौमी घर दे लई संघर्ष करो एकजुट हो जाओ ये वीर भी अंदर बैठा बार बार बेनती करदा। सो खालसा जी हाथ जोड़ के बेनती है खालसा पंथ नूं हुणे समा समय दी मांग आ सारी कौम एकजुट हो जाओ खालिस्तान खालिस्तान जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਕੜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ते जथेदारा ने उहदे नाल जफ्फियां पाईआं ते अपनी कौम दा जिहड़ा हक सी उहदा उहनू लहूआं दे कुट पीता ते नौजवानां ने इस सबर नूं ना जरदिआं होइआं इस संघर्ष नूं विढ़िआ। उस तों बाद पंजाब दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे गलियां दे विच पन्ने खिलारे गए पापियां वल्लों बड़ी अत घनौणी बहुत पाप कीता ते उस तो बाद पंज प्यारियां दी बेअदबी दे अर्थ शब्द मक्कड़ ने बोले आख्या ये साडे मुलाजम ने असीं इन्हां नूं खारज करांगे। जे भाई बलदेव सिंह वडाला ने आख्या पापी उहने आख्या कुत्ता राज बहालीए चक्की चट्टे उहनूं दरबार साहब तो ड्यूटी तो खारज किया गया भाई पिंदरपाल नूं किया गया। अज जिहड़ा धक्का है जिथे संगतां नाल हो रहा है
उत्थे विद्वानां नाल हो रहा, दरबार साहब के रागियां नाल हो रहा। ये सारे दुखांत नूं मुख रखदे इक खालसा पंथ सरबत खालसा किया गया नवंबर 2015 दे विच, जिदे विच समुचे खालसे ने अपने जथेदार थापे, सरदार जगतार सिंह हवारा, बाबा बलजीत सिंह दादू वाले, भाई अमरीक सिंह अजनाला, ध्यान सिंह मंड, ते जो ये जथेदार थापे ने जो एक समुची कौम की अगवाई करनगे, समुचा खालसा इन्हां दी अगवाई था चलेगा। जो अगे 2016 दे विच 10 नवंबर नूं तख्त दमदमा साहब सरबत खालसा हो रहा है, सारे समुचे खालसे नूं बेनती है भाई उत्थे पहुंचण दी कृपालता करनी। ये साडे धर्म दे हक ने, ये कोई किसी दे धर्म ते असीं टैग नहीं करदे। खालसा एक अमन पसंद कौम है, गुरु नानक ने दे सिख जिथे भी गए ने उत्थे गुरु नानक दे लंगर चलाए ने, किसे धर्म का भी बंदा लंगर छक सकता है। यह बिल्कुल अमन पसंद कौम है, जे कोई इस कौम दे विच अग बालेगा उन्हूं नहीं बख्शिया जाएगा। जे पानी दे थले अग बालीए पानी उपर नूं उठदा है, वैसे पानी का 100% सुभाव नीवा चलना। अज कुछ शिवशाना दे शरारती बंदे ने अग बालीए हुण इह पानी उपर नूं उड्डेगा, नीवा नहीं जाएगा, क्यों अग बालन वाले का गुनाह है, खालसे का गुनाह नहीं। असीं प्रशासन दे हत्थ जोड़ के बेनती करने, साडे भरा ने अपनियां ड्यूटियां निभा रहे ने, बड़े सच्चे ढंग नाल निभा रहे ने। असीं प्रशासन नूं बेनती करने आ, इहो जिहे गलत बंदे जिहड़े पंजाब दे माहौलां नूं खराब करदे ने उहनां नूं नक्क च नकेल पाई जावे। ते जिहड़ा आउण वाला जून 84 दे शहीदां सिंघां दा दिहाड़ा है, खालसा पंथ अकाल तख्त दी शान दे 6 जून नूं बड़ी आण ते शान नाल मनाएगा। सारी संगत ने उत्थे पहुंचण दी कृपालता करनी, ते गुरु रामदास दी नगरी ते उत्थे भी अमन शांति रखनी, उन्होंने शहीदों श्रद्धा के फुल भेट करने, नकमस्तक होना। इन्नियां बेनतियां करदा भाई सुखा सिंह खालसा, खिमा दा जाच के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। मुर्दा रो पिया दगे दी वेख दुनिया, लंबू चिखा नू लाया ते अपनिया ने, दरख्त रो पिया, दरख्त रो पिया कुहाड़े विच देख दस्ता, टक जड़ा नू लाया ते अपनिया ने, फुल रो पिया मालिया ते वेख सूई, छेक सीने विच पाया ते अपनिया ने, कलगी धरदे लखबत जिगरियां नू ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਨਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਗ ਕੀਤਾ, 38 ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੰਗਤ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।